भी छात्र एवं छात्राओं ने बिहार बोर्ड से मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2021 में दिए हैं, वे जो उत्तीर्ण हो गए हैं, पता होंगे कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है मैट्रिक इंटर में जो है बिहार बोर्ड से छात्र एवं छात्राओं ने जो है पास किए हैं। वे काफ़ी सारे छात्र एवं छात्राओं ने प्रोत्साहन राशि योजना को लेकर बेसब्री से जो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। तो फाइनली जो यहाँ पर जो है फॉर्म आ गया है, आप लोगों को फॉर्म जो है किस प्रकार से फिलअप करना है, कौन कौन से छात्र जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो सारा जानकारी को जो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जो आप लोगों को मैं कंप्लीट जानकारी जो इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जो यहां पर आप लोग हेडलाइन देख सकते हैं कि यहां पर जो है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि योजना, यानी कि जो है यहां पर ये जो है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि योजना का जो है फॉर्म है। सबसे फर्स्ट में जो तो यहाँ पर जो है आप लोग को सत्र जो है यहाँ पर डालना है इस बॉक्स में। उसके बाद जो आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पर जो आप लोग को स्कूल कॉलेज का नाम जो है इस बॉक्स यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद जो यहाँ पर जो है स्कूल कॉलेज का जो यहाँ पर कोड जो है इस बॉक्स में जो यहाँ पर फिलअप कर देना है। यहाँ पर जो है आप मैट्रिक से पास किए हैं या इंटरमीडिएट से पास किए, यहाँ पर जो आप लोग को फिलअप करना है। उसके बाद जो अपना स्कूल का रोल कोड जो है यहाँ पर फिलअप करना है, रोल नंबर जो है इस बॉक्स में फिलअप करना है। उसके बाद जो है आप लोग किस डिवीजन से जो आप लोग पास किए हैं इस बॉक्स में फिलअप करना है। उसके बाद जो अपना स्टूडेंट आने की यहाँ पर जो स्टूडेंट अपना खुद का जो है यहाँ पर नाम फिलअप करेंगे। उसके बाद जो आप लोग ऊपर की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर जो है क्या करना है कि यहाँ पर जो है फादर्स का नाम जो है इस बॉक्स में फिलअप करना है। उसके बाद जो है मदर्स का नाम जो है यहाँ पर फिलअप करना है। सारा का सारा जो है आप लोगों की यहाँ पर कैपिटल में ही फॉर्म को जो है फिलअप करना है, स्मॉल लेटर में नहीं, कैपिटल लेटर में जो आप लोगों को फॉर्म को फिलअप करना है। उसके बाद जो यहाँ पर फुल एड्रेस जो है यहाँ पर एक बॉक्स में जो यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर जेंडर जो यहाँ पर मेल फीमेल जो यहाँ पर आप लोगों को जो है फिलअप करना होगा। आधार नंबर जो अपना इसमें डाल देना है इस बॉक्स में। उसके बाद जो यहाँ पर मोबाइल नंबर को जो है फिलअप कर देना है। उसके बाद जो आप लोग किस कास्ट से बिलोंग करते हैं यहाँ पर जो है फिलअप कर देना है। SC ST OBC BC1 BC2 जो भी होंगे यहाँ पर जो आप लोग को फिलअप कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पर जो है बैंक नेम जो है सबसे फर्स्ट में जो यहाँ पर आप लोग को देना है। इस बॉक्स में जो है बैंक नेम लिखना है। उसके बाद जो है बैंक IFSC कोड जो है इस बॉक्स में जो है लिखना है। आप लोग को पासबुक पर जो है देखने को मिल जाएगा IFSC कोड। उसके बाद जो है यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर अमाउंट जो है इस बॉक्स में जो है फिलअप कर देना है। उससे पहले जो यहाँ पर आप लोग जो है डॉक्यूमेंट को जो है आप लोग को इतना डॉक्यूमेंट को जो है आप लोग को रेडी रखना होगा। सबसे पहले जो आप लोग को एडमिट कार्ड को जो है रेडी रखना है, आधार कार्ड का जो है यहाँ पर रेडी रखना है, कास्ट सर्टिफिकेट को जो यहाँ पर रेडी रखना है, यानी कि जाति प्रमाण पत्र को जो है आप लोग को रेडी रखना होगा। आप लोग को जो यहाँ पर छात्रवृत्ति पोशाक प्रोत्साहन राशि आप लोग को ये सभी योजना का लाभ लेने के लिए आप लोग को जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जो है ये लाभ नहीं मिलेगा। अगर नहीं है तो आप लोग जो किसी भी हर हाल में बनवा लीजिए। आप लोग जो है खुद से जो है मोबाइल फोन से जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठे जो है आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, आप लोग देखकर आसानी से अप्लाई और डाउनलोड भी कर सकते हैं। उस आप लोग को रजिस्ट्रेशन कार्ड जो आप लोग को स्कूल कॉलेज से मिला होगा उसको भी आप लोग को रेडी रखना है। उसके बाद मार्कशीट को भी रेडी रखना है। उसके बाद जो आप लोग को बैंक पासबुक को भी रेडी रखना है। उसके बाद जो यहाँ पर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट को जो है आप लोग को यहाँ पर तैयार रखना है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट को जो है आप लोग को तैयार रखना है। आने की यहाँ पर जाति आय और आवासीय आप लोग को तीनों जो है यहाँ पर रेडी रखना है ये लाभ लेने के लिए। उसके बाद ही आप लोग जो है इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब इसमें जो यहाँ पर कौन कौन से जो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से छात्र, तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले जो अपना फ़ोन में कोई सा ब्राउजर ओपन कर लेना है और सर्च टाइप में लिखना है biharhelp.in लिखकर जो आप लोग को सर्च कर देना है। और ये 3 पट्टी जो आप लोग को दिख रहा है इस पर जो आप लोग को क्लिक करना है और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। और यहाँ पर ये स्कॉलरशिप दिख रहा है इस पर जो आप लोग को क्लिक करना है और यहाँ पर जो ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। सबसे फर्स्ट में मेधावी नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम 2021 देखने को मिल जाएंगे और सेकेंड पर जो यहाँ पर इसके बाद जो यहाँ पर इंटर NSP कोट ऑफ लिस्ट 2021 जो है बिहार बोर्ड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस पर जो आप लोग को क्लिक कर देना है और जैसे आप लोग ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर जो आप लोग जैसे यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोग आसानी से जो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आप लोग के ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो यहाँ पर जो है ये जो है लड़का के लिए जो है कोट ऑफ लिस्ट है। यहाँ पर आप लोग आसानी से जो यहाँ पर कोट ऑफ लिस्ट जो यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है लड़का के लिए जो है सारा का सारा जो यहाँ पर कोट ऑफ लिस्ट दिया गया है साइंस आर्ट कॉमर्स के लिए और लड़की के लिए यानी कि गर्ल्स के लिए जो है यहाँ पर नीचे जो है यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है गर्ल्स के लिए जो है यहाँ पर दिया गया है। आप लोग जो है आसानी से जो इसमें कोट ऑफ लिस्ट जो है देख सकते हैं और यहाँ पर देख सकते
बिहार बोर्ड इंटर एनएसपी कोटअप लिस्ट 2021 आप लोग को जो इस पर क्लिक करेंगे तो लिस्ट डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट होता है तो यहाँ पर जो है आप लोग के बीच में जानकारी दे दूंगा। ये जो अभी कॉमेंट सुन जो यहाँ पर दिख रहा है उसके तो आप लोग जो यहाँ पर इस साइड पर आकर आसानी से जो अपना जो यहाँ पर कोटअप लिस्ट देख सकते हैं और आप लोग आसानी से जो इसमें देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।